अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली के कनॉट प्लेस एक इलाका है, वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से टिकटॉक का जो बुखार है वो लोगों पर चढ़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, जवान लड़के लड़कियाँ, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और टिकटॉक की दीवानगी इतनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टिकटॉक की वीडियो बनाई जा रही है। और हम इन लोगों से जानेंगे कि टिकटॉक असल में क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ्यूचर है टिकटॉक में, और पढ़ाई ज़रूरी है या टिकटॉक ज़रूरी है। अभी चलते हैं, कुछ लोगों से मालूम करेंगे कि आखिर उनकी ज़िंदगी में टिकटॉक क्या अहमियत रखता है। टिकटॉक का ग्रुप हमारे साथ में, सर आप टिकटॉक बनाते हैं? हाँ जी बनाते हैं। आपका टिकटॉक? हमारा खास सिद्दीकी। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि टिकटॉक क्यों बनाते हैं? टिकटॉक है, खुमार है, क्या जुनून है, क्या है? हाँ जुनून है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 12th में। 12th बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, आने वाले हैं, कोई नहीं, सब के लिए तैयार हैं। टिकटॉक से बनेंगे कैसे पास हो? पास हो जाएंगे, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करते हैं। और टिकटॉक क्या है आपकी ज़िंदगी में, ये बताइए आप? कुछ नहीं, अगर टिकटॉक टिकटॉक छोड़ दें आप तो जी पाओगे? बिल्कुल जी पाएंगे, क्यों नहीं जिएंगे, टिकटॉक के बलबूते थोड़ी चल रहे हैं हम, वोट दिखा रहे हैं, पेट भर रहे हैं अपना। अच्छा आप भी तमाम लोग टिकटॉक? हाँ जी, मैं टिकटॉक बना था। मेरा मिस्टर अंडरस्कोर पवन अंडरस्कोर 1997 के नाम से। जुनून है, पागलपन है। पढ़ाई अपनी जगह पर, एमसीए कर रहा हूँ मैं, एमसीए का स्टूडेंट हूँ मैं। पढ़ाई अपनी जगह पर, टिकटॉक अपनी जगह पर। टिकटॉक के जरिए आप फेमस होना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ पर हर कोई जो भी है, सारे के सारे यहाँ पर ऐसे ही नहीं आते, ये फेमस होने के लिए आते हैं सारे के सारे। कितने टाइम से आप टिकटॉक पे? टिकटॉक में मोस्टली 2 months हो गए मेरे, और 50,000 के लगभग मेरे लाइक्स हैं। हाँ, और 3,000 मेरे फॉलोवर्स हैं। छोटे से बच्चे जो आप भी टिकटॉक रहे हैं? बहुत बड़ा स्टार है। किस नाम से आ रहे हैं जी? नोडी का भाई है। एमडी रहमान 16। एमडी रहमान 16। तो आप टिकटॉक क्यों बनाते हैं अभी बताइए? स्टार बनने के लिए। तो क्या एक ही जरिया यही है टिकटॉक स्टार बनने का? ये इससे अलग नहीं, बहुत जरिया है, बस टिकटॉक बनाने में मजा आता है। तो अम्मी अब्बू रोकते नहीं? रोकते अम्मी अब्बू तो रोकते हैं। तो क्या कहते हो, लड़के आते हो यहाँ पे? नहीं तो यूं ही सपोर्ट करते हैं आपको आपके वालिद? हाँ। टिकटॉकर हमारे साथ में है, आपका नाम क्या है भाई? सन्नी। सन्नी, तो आप किस तरह की वीडियो बनाते हैं? हम मतलब जो साउंड आता है उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, जैसे जो नया नया साउंड आता है टिकटॉक का उस पर वीडियो बनाते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th में। तो पढ़ाई में मन लगता है या टिकटॉक बनाने में? पढ़ाई की बात नहीं, अब मतलब मेरा पैशन शुरू से एक्टिंग लाइन में है, तो मेरे को एक्टिंग लाइन में ही जाना है आगे, तो इसमें थोड़ा अपना ज़्यादा दिखा रहा हूँ इसमें। तो आपके बड़े भैया भी है? हाँ, वो तो बड़े फेमस है। हाँ वो तो फेमस है। वो स्टाइल कहाँ से, वो किक मारने वाला स्टाइल था, वो कहाँ से सीखा, मतलब क्या दिमाग में आया? वो है संजय दत्त के बहुत बड़े फैन, तो संजय दत्त को ही देख देख के उन्होंने, मतलब उनकी कॉपी करके करके उन्होंने अपना वॉक का स्टाइल चालू करा है। यही मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं आपको? करते हैं, अब भाई भी हो गया है तो वो सोचते हैं छोटा वाला भी कुछ कर लेगा। आपको क्या लगता है टिकटॉक का फ्यूचर है आपका? नहीं, टिकटॉक पे ऐसा है कि मतलब फ्यूचर नहीं है, पर इसके आगे थ्रू जाने से मतलब इस पर प्लेटफॉर्म है, आप प्लेटफॉर्म मिल जाएगा एक छोटा सा, कि आगे आप मतलब म्यूजिक निकाल सकते हो अपना, आगे किसी जॉब में जा सकते हो, वही सब चीज़ है। तो आप लोग भी सब साथ में? साथ, 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 साथ में ग्रुप हमारा। ग्रुप से फेमस ज़्यादा होते हैं या इंडिविजुअली होते हैं? ग्रुप से फेमस होने की बात नहीं है, वो अपने हिसाब से होता है, कि जैसे मान लो आपके कितने सॉफ्ट मतलब सपोर्ट है आपके पीछे क्या है, बस अपने से करना पड़ता जो भीड़ होता लेके है। चलनी जरूरी है क्या? नहीं, भीड़ लेके चलनी जरूरी नहीं है, वो अब लोग मतलब नए नए वायरल होती रहती है वीडियो, लोग नए नए मिलते रहते हैं, भाई लोग मिलते रहते हैं, तो उन सबके साथ बना लेते हैं। जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, हाँ, टिकटॉक पे आना चाहते हैं तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? अरे जो नए आना चाहता है उनके लिए ये बोलना चाहूँगा, बस मेहनत करते रहो और अपने आप पर भरोसा रखो, आगे जरूर कुछ ना तो कुछ होगा। हम दीपिका से जरूर मुलाकात होगी। हाँ, दीपिका से भी जरूर मुलाकात होगी जरूर। चलिए, ये है कल का भविष्य और
टिकटॉक के स्टार आने वाले स्टार, इनके भाई भी स्टार हैं, ये भी स्टार है। और देखा आपने किस तरह से जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है या फिर युवा हैं, किस तरह से टिकटॉक के दीवाने हैं, पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ चाहते हैं कि फेमस हो जाएं टिकटॉक के थ्रू, टिकटॉक को ही अपना कैरियर समझ रहे हैं। अगर भविष्य में कभी टिकटॉक बंद हो जाता है तो ऐसे टिकटॉक जो बनाने वाले उनका क्या होगा, एक सोचने वाली बात है। अगर जो भी माँ बाप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को हौसला अफजाई तो दें, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कहीं टिकटॉक के चक्कर में वो अपना जो भविष्य है वो बिगाड़ तो नहीं रहा, इस बात का ध्यान रखें और अपने बच्चों को हमेशा सही सलाह दें। शुक्रिया।